पाइनएप्पल सोफले। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज पाकिज़ा अपनी बड़ी बहन यानी कि मिसेस पागो की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हैं। ये वो रेसिपी है जो उन्होंने अपने कॉलेज के ज़माने में हम इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल में बनाई थी और सबको बहुत ही मज़ेदार लगी थी। तो चलते हैं अज्जा की तरफ। जो जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है और कैसे होनी है वो मैं आपको सारी बता देती हूँ। जी, तो ये था मेरे पास एक पाइनएप्पल का टिन, जिसमें से मैंने पाइनएप्पल अलग कर लिया है और उसका जूस अलग से निकाल लिया है। जूस एक कप है और इसी के साथ मुझे आधा कप जो है पानी का भी चाहिए होगा। जी, तो आप इसमें पाइनएप्पल या मैंगो दोनों में से कोई भी जेली यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने मैंगो जेली ली और एक पैक डेरी क्रीम का। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाइनएप्पल का जूस ऐड करूँगी और इसी के साथ जो हाफ कप पानी था वो भी ऐड कर दूँगी और बॉयल आने तक का इंतज़ार करूँगी। जी, तो बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर मैं जेली शामिल करूँगी, लेकिन जेली आपने हमेशा जब भी आप जेली बनाएं तो आग बंद करके उसके अंदर जेली शामिल करें। जेली डालने के साथ साथ चम्मच भी तेज़ी से हिलाना है ताकि जेली ख़राब ना हो जाए। जी, तो जेली जो है मैंने बाउल्स में निकाल ली है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। 10 मिनट के बाद निकाल कर फ्रिज में रख दूँगी। इससे ये होगा कि जेली अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगी। जी, तो जेली जो है वो अच्छे से फ्रीज़ हो गई है। 10 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रखा और उसके बाद 15 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया। पाइनएप्पल को मैंने एक बार फिर स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया ताकि अगर इसका कोई जूस है तो वो निकल जाए। अब इसके अंदर मैं क्रीम ऐड करूँगी। जी, तो पाइनएप्पल बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जेली के क्यूब्स बना के मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। जी, तो जेली डालने के बाद आपने ज़ोर से मिक्स नहीं करना है, बहुत आराम आराम से आपने इसको ऊपर नीचे करना है और ये जल्दी से मिक्स हो जाएगी। जी, तो मिक्स करने के बाद मैंने इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि ये जितना ठंडा होगा उतने मज़े का लगेगा। आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।